हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इस एडिटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको ओपन करना होगा अपना काइन मास्टर। तो फ्रेंड्स काइन मास्टर ओपन करने से पहले इस वीडियो में मैंने जो भी टूल्स यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी एडिटिंग आसान हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते फोन के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स फोन के स्क्रीन पर चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को आप मिस न करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं काइनमास्टर ओपन कर चुका हूं। काइनमास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स यहां प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और 916 का डैश सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे डाउनलोड में। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जो भी टूल्स डाउनलोड किया उसमें से हम यूज करेंगे और सबसे पहले बैकग्राउंड, तो कोई से भी बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं, बट मैंने एक तो बैकग्राउंड यूज किया है जिस स्काई वाला, ठीक है ये वाला आप देख सकते हैं मैं इसे यूज किया हूँ। तो इसे ले लेते हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा लंबा कर लेंगे, जितना टाइम का आप बनाना चाहते उतना टाइम कर लीजिएगा। इसके बाद डबल लेयर्स पर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसे इक्वल कीजिएगा और डबल टैप यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब आपको लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स इमेज वाला सेलेक्ट करना है। इसे इमेज वाला सेलेक्ट करने से आपकी जो इमेज है सो पूरी एक बार में आ जाती है, वीडियो हट जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ तक हम आ गए। इसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इस तरह से जूम कर देंगे, जितना आप करना चाहे उतना कर सकते हैं, इतना मैं रहने देता हूँ, ठीक है यहाँ पे सेंटर में कर लीजिएगा। इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, फिर से लेयर्स में जाएंगे, मीडियम जाएंगे। और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड में। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये वाली इमेज हम ले लेंगे। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से इसे कर लीजिएगा और इसे जितना ज़्यादा कर सके आप जूम कर दीजिएगा, इस तरह से इतना सेट करेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ओवरऑल एनिमेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें जाइएगा। और फ्रेंड्स नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेकिंग का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो देख सकते हैं क्या है, एक्सक्यूजिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे कर लीजिएगा, इससे आपको लगेगा कि वाटर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद फिर से लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद आपको फिर से जाना है डाउनलोड में। और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, इमेज पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज पर सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको कई ठो कर ली कि इमेज ही है, तो आपको जो भी पसंद हो उसे ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसे लेने के बाद इसे इस तरह से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके इसे लास्ट तक लेकर आइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसे जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से इसे सेट कीजिएगा। यहाँ पे इतना पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है इतना आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा और छोटा इसे कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम में जाइएगा। और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इमेज ले लेनी है, तो जो भी इमेज आपने अपनी एडिट की है PNG में तो उसे आप ले लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है ये वाली इमेज ही ले लेता हूँ, मैं अपने इमेज नहीं लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से जूम करेंगे, जूम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे सेट करना है, इस तरह से आपको सेट करना है। तो गर्ल वाली इमेज जो है सो इससे बड़ी है तो उसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, इससे थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि बैक में है तो उसे थोड़ा छोटा ही होना चाहिए और फ्रंट वाले को थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा कि अच्छी लगे देखने में। तो यहाँ पे आप अपनी मॉडल इमेज जो भी यूज करते हैं उसे कर सकते हैं, अपनी इमेज कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एडिटिंग बता रहा हूँ इसलिए मैंने कोई से भी इमेज सेलेक्ट कर ली। तो लेयर्स पे फिर से क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये तिलक वाली जो रेड वाली, तो इसे ले लेंगे। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करेंगे लास्ट तक और फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं स्क्रीन को और इसे छोटा करते हैं और इसे स्क्रॉल करके हम सेंटर में ले आएंगे, माथे के सेंटर में लाएंगे। तो उंगली करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट ये हो गया सही से, देख सकते हैं ये हो गया सेंटर में आ चुका है। अब हम राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में, और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक सॉन्ग के लिए मैंने ये वाली सॉन्ग इसमें लगा हुआ है, बस इसमें लोगो भी है तो लोगो को आपको ऊपर की तरफ जूम कर देना है ताकि आपका जो लोगो है सो ना दिखे। इसे सॉन्ग इसमें लगा हुआ था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया। अब इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा। ब्लेंडिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है, तो देख सकते कुछ इस तरह से दिखेगा। आप राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स स्टार्टिंग में फिर से आइएगा और लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा। लेयर्स पर क्लिक करके बाद मीडियम चलेंगे और मीडियम जाने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद हैप्पी सरस्वती पूजा वाला जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है तो इसे हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे ले लीजिएगा और यहाँ पे सेट कीजिएगा इस तरह से और देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे स्क्रॉल करके पूरे लेंथ पे कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे लास्ट तक आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब आप इसे चलाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें बॉर्डर लिंक भी दिया हुआ है आपको, तो आप अगर चाहे तो बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे चलाकर देख सकते हैं।
ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे एडो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टाइप की वीडियो स्टेटस बना पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।